अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग किस्म की रेसिपी लेके बहुत ही लजीज आज हम कीमा बनाएंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाही में 1/4 कप तेल ऐड कर दिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आपने जीरा ऐड करना है, 1 अदद मोटी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद हरी इलायची ऐड करनी, 4 से 5 अदद आपने लौंग ऐड करने हैं, 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्ची ऐड करनी है, 1 अदद बादियान का फूल ऐड करना, थोड़ा सा कड़कड़ाना है। साथ ही आपने इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे सूंदी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी फिर इसमें हमने कीमा ऐड करना है। गाय का मैंने कीमा लिया है, 1 kg वज़न में तकरीबन कीमा है। कीमे को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने छन्नी में निकाल लिया ताकि ब्लड वगैरह इसमें से निकल जाए। उसके बाद आपने ऐड करना है, देखिए हमने कीमा ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। प्लीज़ व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए कीमे की हमने अच्छे से ज़बरदस्त सी भुनाई कर ली है, कीमे का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे वो ऐड कर देंगे। स्लाइस में मैंने काट के ऐड कर दिए हैं। 3 अदद टमाटर है लार्ज साइज़ के वो ऐड कर दिए, दरमियाने पीसेस में कट करके आपने ऐड कर देना। साथ ही आपने स्पाइसेस ऐड कर देने, 1 टीस्पून आपने सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है, 1 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है। साथ ही हम बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर ऐड करना है और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर आपने पकाना है ताकि हमारे टमाटर प्याज सब सॉफ्ट हो जाए। पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे और प्याज भी। अब लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है, कीमा हमारा तकरीबन हाफ डन हो चुका हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे, आपने दही ऐड करना, तकरीबन 1 प्याली भरकर आपने दही ऐड करना। दही को आपने अच्छे से बीट कर लेना जिससे ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा कीमे में। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त ये कीमे की रेसिपी बनती है, भुना हुआ कीमा। दही हमने ऐड कर दिया और दही का पानी अच्छे से हमने खुश करना है। दही में हमने कीमे को पकाना है। लो फ्लेम पर हमने अच्छे से ज़बरदस्त से पका लिया है कीमे को। दही का पानी भी ज़बरदस्त सा खुश्क हो चुका है। अब इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई आपने ज़बरदस्ती करनी है तभी ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा कीमे में। साथ ही आखिर में ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून भरकर आपने कसूरी मेथी ऐड करनी जिससे ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा कीमे में। यकीन करें कीमे का यह सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। खड़े मसाले वाला कीमा भी आप बोल सकते हैं इसको। आखिर में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून आपने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना, हरा धनिया ऐड करना, हरी मिर्चें ऐड करनी है और अच्छे से ज़बरदस्त भुनाई करने के बाद ही आपने ये ऐड करना है। देखिए मज़ेदार सा और टेस्टफुल हमारा कीमा हम तैयार है जिसको आप सर्व करें तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।